नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सीखे.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से झूठी एफआईआर से कैसे बचा जा सकता है और इसके लिए कौन सी धारा है जिसका उपयोग करके हम जो है झूठी एफआईआर के मामले से बच सकते हैं, इसकी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, कानून के अनुसार जो है दो प्रकार के अपराध होते हैं, संज्ञेय और असंज्ञेय। तो जो संज्ञेय अपराध होते हैं वो संगीन अपराध होते हैं, जिनमें जिसके अंतर्गत जो है गोली मार देना और किसी की हत्या कर देना जैसी बड़ी घटनाएं आती हैं, बड़े अपराध को शामिल किया जाता है, जिनके लिए ऐसे अपराधों के लिए बिना वारंटी जारी किए भी गिरफ्तार पुलिस कर सकती है। और दूसरे जो है असंज्ञेय अपराध होते हैं, इनके अंतर्गत जो मामूली आपराधिक घटनाएं आती हैं, जैसे मारपीट और दहेज उत्पीड़न और जो है घरेलू हिंसा और दंगे में शामिल होना, इस प्रकार की घटनाएं मामूली आपराधिक घटनाएं होती हैं। तो इनके खिलाफ यदि कोई जालसाजी करके आपके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवा देता है और इस प्रकार की कोई आपराधिक घटना आपने की नहीं होती है, तो इससे बचने के लिए जो है कानून में प्रावधान किया गया है। तो कानून के अंतर्गत धारा 482 के तहत जो है आप अपनी बेगुनाही की याचिका जो है बेगुनाही की याचिका हाई कोर्ट में जो है आप दाखिल कर सकते हैं वकील के माध्यम से। और इसके लिए जो है दोस्तों आपको वकील के माध्यम से यदि आपके पास जो भी घटना में आपको फंसाया गया है उसे संबंधित कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप वकील के माध्यम से एविडेंस के आधार पर तैयार करवा सकते हैं। और यदि है तो आप याचिका पत्र यानी प्रार्थना पत्र तैयार करके और इसके साथ ही जो है जो भी घटना से संबंधित वीडियो ऑडियो की रिकॉर्डिंग हो आपके पास या फिर या कोई भी आपके पास जो है फोटो हो तो ये डॉक्यूमेंट्स को जो है आप याचिका पत्र के साथ आपको संलग्न करना होगा। और यदि आपके पास उस घटना में बेगुनाह होने से संबंधित कोई गवाह है तो उस गवाह का जिक्र भी आप जो है अपने प्रार्थना पत्र में कर सकते हैं। और इस प्रकार से आपको एक फाइल तैयार करनी होगी जिसमें याचिका पत्र यानी प्रार्थना पत्र जो आपने अपने कोर्ट के पास दाखिल करनी है कि आप बेगुनाह हैं, इस मामले में आपका कोई हाथ नहीं है, और उसके साथ जो भी आपके पास घटना से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच करके आपको वकील के माध्यम से हाई कोर्ट में पेश करना होगा। और इसके बाद जो है आप जब तक घटना की सुनवाई होगी और तब तक जो है आपको पुलिस मामले में जो है एफआईआर के मामले में गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। यदि आपके खिलाफ वारंट जारी हो गया है तो आपको जो है पहले बेल लेनी होगी और बेल लेने से ये फायदा होगा कि आपको जो है एफआईआर आप गिरफ्तार होने से पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। यदि आप बेल ले लेंगे तो पहले आपको यदि वारंट जारी हो चुका है तो बेल लेना होगा और इसके बाद वकील के साथ जो है मिलकर अपने याचिका पत्र तैयार करवानी होगी बेगुनाही को साबित करने के लिए और सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके उसके साथ संलग्न करके और कोर्ट हाई कोर्ट में आपको वकील के माध्यम से दाखिल करना होगा। और इसके बाद आप जो है जब तक मामले पर कार्रवाई होगी तब तक आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकेगी और या कोर्ट द्वारा जरूरी समझे जाने पर जो है मामले की जांच के लिए जांच अधिकारी भी नियुक्त किया जा सकता है। तो इसके बाद यदि जो है आप एफआईआर की झूठी मामले से में जो आपने याचिका पत्र दिया है और उससे आप
बेगुनाह साबित हो जाते हैं तो कोर्ट द्वारा जो है याचिका FIR जो है वो खारिज कर दी जाएगी और आप FIR के झूठे मामले से बरी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों, यदि झूठे FIR के मामले में कोई आपको फंसाता है तो आप बच सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे यूट्यूब चैनल CK.com को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो है इस झूठे FIR की घटना से बचाव करने का तरीका लोगों को ज्ञात हो सके।